नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑडियो एडिटिंग मतलब साउंड एडिटिंग आप सोनी वेगस प्रो से कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो एडिटिंग में अब वीडियो को ही तो एडिट नहीं करते, साथ ही साथ हम म्यूजिक को, साउंड को, आवाज को, जिसे आप कह सकते हैं, उसे भी एडिट करते हैं, उसे भी सजाते हैं, उसको भी कस्टमाइज करते हैं ताकि अच्छी लगे वो। ठीक है, तो ऑडियो के साथ, साउंड के साथ सोनी वेगस प्रो में कैसे डील करना है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं सोनी वेगस प्रो सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूं, तब मैं आपको समझाऊंगा। तो हम इसे ओपन होने देते हैं सॉफ्टवेयर को। चलिए, तो यहां हमारा पहले से प्रोजेक्ट है, इसको हम पूरा डिलीट कर देते हैं, सारे ट्रैक्स को हम राइट क्लिक करके डिलीट ट्रैक कर देते हैं और फ्रेश एकदम शुरू से आपको समझाऊंगा। तो आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो ऐसा नजर आता है, बिल्कुल फ्रेश। ठीक है, यहां पर हम एक नया ट्रैक ऐड करते हैं, तो यहाँ इस जगह पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट वीडियो ट्रैक पर लेफ्ट क्लिक करेंगे और एक खाली ट्रैक ऐड हो जाएगा। इसकी जगह पर हम एक इमेज डाल देते हैं, आप वीडियो भी डाल सकते हैं, मैं इमेज डाल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप वीडियो डालेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो हम यहाँ पर वीडियो ही डाल लेते हैं, अब अच्छे से आपको मैं बता पाऊंगा। चलिए, तो ये अब मेरी वीडियो मैं अपनी डाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ ये वीडियो के दो पार्ट होते हैं, एक तो ऑडियो, ये आप देख सकते हैं ग्राफ नीचे रेड रंग का, और ये ऊपर आप देख सकते हैं ये वीडियो है। ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो, ये है ऑडियो, ऑडियो ट्रैक, ये है वीडियो ट्रैक, ये दोनों मिलके एक पूरी वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो अब ऑडियो के साथ डील कैसे किया जाए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑडियो है यहाँ, इसकी वॉल्यूम आप कम कर सकते हो, जैसे मैं अभी प्ले कर रहा हूँ, दिल से आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो फिर मैं देखूंगा कि लोग क्या और चाहते हैं मैं इसके अब बारे में। इसकी हम आवाज कम आगे करने जा काम रहा हूं, करेंगे। तो मैं अब इसको प्ले करते करते अब इसकी आवाज कम करूंगा और आप देख सकते हैं कि आवाज कैसे कम हो रही है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को प्ले करते हैं और इसकी आवाज कम करूंगा मैं इस बटन से, ये जो देखिए वॉल्यूम स्लाइडर है ये। ठीक है, चलिए। आप खुले दिमाग से, खुले दिल से आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो फिर मैं देखूंगा कि लोग क्या चाहते हैं उसके बारे में, फिर हम आगे काम करेंगे। मैंने सोचा था कि टेक न्यूज मैं बनाऊं, टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी में न्यूज चल रही है उसके बारे में बताऊं, लेकिन वो तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसको करने। तो आपने देखा इस स्लाइडर को जैसे ही मैं घुमाता हूं तो आवाज कम या ज्यादा होती है। चलिए, ये हमने जान लिया। अब इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में आपने देखा होगा जो मैंने आपको बताया था कि फेड इन एंड फेड आउट क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसके साथ भी कर सकते हैं, इसको ऐसे नीचे करेंगे ऑडियो के साथ, तो ऑडियो भी धीरे धीरे आएगी और धीरे धीरे खत्म होगी। ठीक है, तो ये ऑडियो वीडियो दोनों में होता है, देख सकते हैं आप, इसको ऐसे करूंगा तो आवाज धीरे धीरे आएगी। देखिए, मैं इसको ऐसे करता हूँ, अब इसको थोड़ी आवाज ज्यादा करके इसको प्ले करने की कोशिश करता हूँ और देखेंगे आप कि धीरे धीरे आवाज बढ़ेगी, अचानक से नहीं बढ़ेगी। ठीक है, चलिए मैं प्ले करता हूँ। सब्सक्राइबर्स पार कर लिए हैं और अब हम अपने चैनल में कुछ बदलाव करने वाले हैं, कुछ नया करने वाले हैं, हम नई चीजें ऐड करेंगे और अपने चैनल को और बेटर बनाएंगे और ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी कुछ कुछ फेरबदल मैं अपने चैनल में करने वाला हूं, मैं कई नई चीजें ऐड करने वाला हूं, उसके बारे में अभी आपको बता देता हूं कि मैं सॉफ्टवेयर रिव्यूज करने वाला हूं और व्लॉग्स भी बनाने वाला हूं। आप देख सकते हैं धीरे धीरे आवाज बढ़ रही है, इसको आप और शार्प भी कर सकते हैं, तो आपको ये थोड़ा ऐसे करना होगा, इसको जैसे एडजस्ट करेंगे आप तो आप धीरे धीरे अपनी आवाज को ला सकते हैं। कई बार क्या होता है आवाज ऐड करते हैं गाना तो अचानक से आ जाता है तो वो डरा देता है लोगों को, तो आप ऐसे ही फेड इन फेड आउट से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो फेड इन एंड फेड आउट हो गया। ठीक है, अब आप अपने साउंड को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं और चीजें ऐड कर सकते हैं, इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं साउंड में, इसके बारे में मैं आपको अब बताऊंगा। तो देखिए, यहां पर आप साउंड के लेफ्ट में, लास्ट में ये देख रहे हैं, इसे कहते हैं इवेंट एफेक्ट्स, इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए सारे इफेक्ट हैं ऑडियो के, आप इको ऐड कर सकते हैं, जैसे आवाज गूंजने वाला इफेक्ट जिसे आप बोल सकते हैं, आप ऑडियो डिस्टोरेशन से पीछे की साउंड हटा सकते हैं, नॉइस गेट से भी नॉइस पीछे की हटा सकते हैं, और ग्राफिक इक्वलाइजेशन से अगर साउंड इंजीनियरिंग करना जानते हैं आप तो वहां साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं और वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हैं, कोरस डाल सकते हैं। कोरस आपको नहीं पता है तो देखेंगे आप, पहले जब 90s के कुमार सानू के आप गाने सुनते होंगे तो आप देखते होंगे वहां पर बहुत सारी जो लड़कियां एक साथ ग्रुप में बोलती हुई आती हैं तो वो कोरस होता है। ठीक है, ये सब चीजें आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। करना ये होगा कि इसको एक इफेक्ट चूज कीजिए। ठीक है, जैसे मैंने कोरस चूज कर लिया, अब यहाँ ऐड बटन कीजिए और ओके कर दीजिए, ओके करने के बाद वो इफेक्ट आ जाएगा। अब इस इसको प्ले कीजिए और अपने मन मुताबिक एडजस्ट कर लीजिए, जैसे मैं अगर प्ले मैं कर रहा यहाँ हूं। पर आपको कुछ ना अब सिखाऊं तो देखिए मैं मेरे कोरस बढ़ा रहा साउंड हूं, ये खराब हो जाएगा और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता।
तो मैं जाते जाते आपको एक सॉफ्टवेयर का नाम बता देता हूँ, DFX Enhancer एक सॉफ्टवेयर, देख सकते हैं आप। इससे क्या होता है कि अगर आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में आवाज कम आती है, फुल वॉल्यूम आप कर देते हैं फिर भी आवाज कम आती है, देखिए कैसी आवाज हो गई। इसको इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इसे स्टार्ट करेंगे आपकी जो वॉल्यूम है बहुत ही फनी हो गई। तो कंट्रोल और जेड दबाकर हम इसको वापस वैसे ही कर लेंगे और प्ले करते हैं। और अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ ना सिखाऊं तो ये जो खराब हो जाएगा और मैं बिल्कुल नहीं। चलिए तो अब इसको हम एक फनी चीज और बता देता हूँ, अगर आप कार्टून जैसी आवाज करना चाहते हैं तो जस्ट फन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सा इफेक्ट आपको करना है। देखिए यहाँ पर जाइए इवेंट एफेक्ट्स पे और यहाँ पर होगा देखिए पिच शिफ्ट करके होगा, देखिए पिच शिफ्ट पे क्लिक कीजिए, ऐड कीजिए, ओके कर दीजिए। अब मैं देखिए इसको फनी आवाज बनाने की कोशिश करता हूं। सॉफ्टवेयर का नाम बता देता हूं, DFX Enhancer। बड़ी डरावनी आवाज लग रही है, तो ऐसे आप साउंड के साथ खेल सकते हैं, चीजें ऐड कर सकते हैं, इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता चल गया होगा साउंड के साथ कैसे डील करना है। थैंक यू सो मच।